हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फर्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश फर्स्ट में पोस्ट मिड्टर्म वर्क स्टार्ट हो गया है। पोस्ट मिड्टर्म में आपके दो लेसन आएंगे इंग्लिश रीडर में से, उसमें आएंगे आपके लेसन 7 और लेसन 8, और सप्लीमेंट्री रीडर में से आपके टू लेसन आएंगे, लेसन 3 एंड लेसन 4। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेसन 7 की बुक रीडिंग करवाएंगे। आपका लेसन 7 है द 5 सेंसेस, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिया। सेंस मीन्स होती है हमारी ज्ञानेंद्रिया, हम लोग आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नोज से सूंघते हैं, और टंग से स्वाद चखते हैं, और स्किन से हम महसूस करते हैं। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया होती हैं। वैसे तो हमारे शरीर का हर भाग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनमें से कोई अंग हमारे पास ना हो तो हमारा शरीर बेकार है। अगर आँखें ना हो तो हम दुनिया को देख नहीं सकते, अगर कान ना हो तो हम सुन नहीं सकते, नाक ना हो तो हम सूंघ नहीं सकते, जीभ ना हो तो हम चख नहीं सकते, और अगर हमें त्वचा ही ना हो तो हमारा शरीर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आज हम आपको 5 सेंसेस के बारे में बताएंगे। वी आर एबल टू डू डिफरेंट वर्क विद इन आवर बॉडी पार्ट्स। वी आर एबल, एबल मीन्स योग्य, हम योग्य हैं डिफरेंट वर्क, बहुत विभिन्न कार्य करने के लिए, विद आवर बॉडी पार्ट्स, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से हम विभिन्न कार्य करने के योग्य होते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ वी अंडरस्टैंड एंड इन्जॉय द वर्ल्ड अराउंड अस, हम समझ सकते हैं एंड इन्जॉय, और अपने संसार के चारों ओर का आनंद और कैसे उठा सकते हैं, क्या तुम जानते हो, इट इज़ ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। अब आपकी पोएम स्टार्ट होती है, अब हम इस पोएम को रीड करेंगे। द रॉक इज हार्ड, चट्टान कठोर है, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो, रॉक मीन्स चट्टान होती है और हार्ड मीन्स कठोर, चट्टान कठोर होती है, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो, माई स्किन, स्किन मीन त्वचा यानी कि खाल, मेरी त्वचा ने टोल्ड माई ब्रेन, मेरे दिमाग को बताया, ब्रेन मीन्स होता है हमारा दिमाग, और टोल्ड मीन्स बताना, मेरी त्वचा ने मेरे दिमाग को बताया, सो इट मस्ट बी सो, मीन्स तो कि यह ऐसा होना चाहिए, यानी कि जो हमारी जो स्किन है उसने हमारे दिमाग को बताया कि यह चट्टान जो है वह कठोर है, तो यह ऐसी होनी चाहिए। द लेमन इज श्योर, लेमन मीन्स नींबू, नींबू खट्टा है, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो, माई टंग टोल्ड माई ब्रेन, मेरी जीभ ने मेरे दिमाग को बताया, सो इट मस्ट बी सो, कि इसे ऐसा होना चाहिए। द ड्रम इज लाउड, ड्रम यानी कि जो ड्रम है वह जोर से बज रहा है, हाउ डू आई नो, मैं कैसे जानता हूँ, My ears, मेरी कानों told my brain, मेरे कानों ने मेरे दिमाग को बताया, so it must be so, कि इसे ऐसा होना चाहिए, means कि जो ड्रम है वो जोर जोर से बज रहा है, तो जब हमें जोर जोर से उसके बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हमारे कानों ने हमारे दिमाग तक यह बात पहुँचाई कि यह ड्रम जोर जोर से बज रहा है, और तो इसे ऐसा होना चाहिए। The leaf is green, पत्ती हरी है, How do I know? मैं कैसे जानता हूँ? My eyes told my brain, मेरी आँखों ने मेरे दिमाग को बताया, So it must be so, कि इसे ऐसा होना चाहिए। The toast is burning, toast जल रहा है, How do I know? मैं कैसे जानता हूँ? My nose told my brain, मेरी नाक ने मेरे दिमाग को बताया, So it must be so, कि इसे ऐसा होना चाहिए। How do we know? हम कैसे जानते हैं? Our senses told our brain, कि हमारा दिमाग, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वह हमारे दिमाग को बताती है, So it must be so, कि इसे ऐसा होना चाहिए। Means जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है वे सारी बातें हमारे दिमाग को बताती है, दिमाग तक पहुँचाती है, तब हमारा दिमाग हाँ भरता है कि हाँ यह सही कह रही है और यह ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसका आगे बुक वर्क रीड करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, आपको ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसे आपको टिक करना है। द डैश टेल्स द ब्रेन दैट द रॉक इज हार्ड, द टेल्स, किसने बताया कि ब्रेन को किसने बताया कि चट्टान कठोर है, हैंड आइज स्किन बोन, तो किसने बताया था, स्किन ने बताया कि चट्टान जो है वह कठोर है। हु टेल्स द ब्रेन दैट द ड्रम इज लाउड, ब्रेन को किसने बताया कि ड्रम जोर से बज रहा है, आइज स्किन टंग ईयर्स, ईयर्स ने,
ड्रम की आवाज़ जो किसने सुनी, वो हमारे ईयर्स ने सुनी, और ईयर्स ने हमारे ब्रेन को बताया कि जो है वह लाउड म्यूजिक है। हु टेल्स द ब्रेन अबाउट द डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हु टेल्स द ब्रेन दिमाग को किसने बताया अबाउट द डिफरेंट थिंग्स विभिन्न चीज़ों के बारे में, अराउंड अस हमारे चारों ओर की विभिन्न चीज़ों के बारे में किसने बताया, तो हार्ट ने, सेंसेस ने, फेस ने, लेग्स ने, सेंसेस ने, कि ब्रेन को हमारे चारों ओर की चीज़ों के बारे में किसने बताया, ज्ञानेंद्रियों ने, सेंसेस ने बताया। फिर आता है कि विच सेंस ऑर्गन डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, विच सेंस ऑर्गन्स कौन से ज्ञानेंद्रिय डज द पोइट कवि कहता है यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग हम इन पिक्चर्स में यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम इसको पिक्चर्स को देखेंगे और इसमें हम क्या अपनी सेंस ऑर्गन्स के बारे में लिखेंगे। ये है, ये कौन सी, ये इसने, इसके बारे में किसने बताया था, स्किन ने, रॉक के बारे में किसने बताया था, स्किन ने, कि रॉक हार्ड है। टंग, टेस्ट, लेमन है, लेमन के बारे में किसने बताया था, टंग ने। ड्रम के बारे में ईयर्स ने, टोस्ट के बारे में नोज ने, और लीफ के बारे में हमारे आइज ने बताया था। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स इन्हें कंप्लीट करने हैं। आई हैव आइज, हमारे कितने आँखें होती हैं, टू। आई टेस्ट विद माई नोज, मैं अपने नाक से क्या करता हूँ, स्मेल। आई हियर विद माई, मैं अपने किससे सुनता हूँ, कानों से, तो आई हियर विद माई ईयर्स। आई टेस्ट विद माई टंग, मैं अपने जीभ से क्या करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। आई कीप माई आइज वैन आई स्लिप, मैं अपनी आँखों को करता हूँ वैन बाई आई स्लिप, जब मैं सोता हूँ मैं अपनी आँखों को क्या करता हूँ, मैं अपनी आँखों को क्लोज्ड करता हूँ, मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ जब मैं सोता हूँ। नेम द फाइव सेंस ऑर्गन्स, आपको पांच सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। हाउ इज़ आवर टंग हेल्पफुल टू अस, हमारी जीभ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, हमारी जीभ टेस्ट करने के लिए लाभदायक है। नेम एनी टू थिंग्स यू सी ऑन योर वे टू स्कूल, नेम एनी टू थिंग्स, ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखिए जो आप स्कूल से, स्कूल के रास्ते में देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, शॉप्स एंड हाउसेस, हम शॉप्स भी देखते हैं और हाउसेस भी देखते हैं। हाउ डू वी लिसन टू द म्यूज़िक, हम लिसन किसकी सहायता से सुनते हैं, वी लिसन टू द म्यूज़िक, हम म्यूज़िक सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स मीन्स अपने कानों की सहायता से हम म्यूज़िक सुनते हैं। अब आगे आप कहते हैं ई वाला पार्ट्स, इसमें देखिए द टेबल बिलो कंटेंट्स वर्ड दैट हैव बीन चॉप्ड, फाइंड द पीसेस दैट फिट टुगेदर एंड राइट देम इन द स्पेस बिलो वन इज डन फॉर यू, मीन्स ये आपको कुछ कॉलम दिए गए हैं, इसमें आपको इनका पेयर बनाना है। टूथ के साथ हमारा क्या बनता है, टूथ पेस्ट, फुट पाथ, टेबल मैनर्स, टोट स्टूल, तो ये हमारा एक पेयर बनता है, तो इसके बारे में हमें लिखना है। बॉटल ओपनर, गम बूट्स, गन पाउडर और सन फ्लावर्स, ये हमारे पेयर हैं, तो हमें यहाँ पर सारे में ये लिखना है, टूथपेस्ट, फुटपाथ, टेबल मैनर्स, टोड स्टूल, बॉटल ओपनर, गम बूट्स, गन पाउडर, सन फ्लावर्स। अब आते हैं आपका आगे, यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू टेल हाउ दीज फीलिंग थिंग्स फील, आपको इस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनके बारे में बताना है, कप, ये कप में क्या है, चाय है, और चाय हमारी कैसे है, हॉट, तो यहाँ पर हमारा हॉट आएगा। सन, सन क्या कर रहा है, सन ब्राइट हो रहा है, यानी कि सन चमक रहा है। क्लाउड, जो ये आपका मून है, मून कैसे कलर का है, मून वाइट है, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये वाइट है। स्ट्रॉन्ग रेड, रेड हमारा, हमारे फ्लावर दे रखा है, फ्लावर हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, रेड है और स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर स्ट्रॉन्ग रेड आ जाएगा। और लीव्स, लीव्स हमारे कैसे, तो लीव्स हमारी सॉफ्ट होती है, तो यहाँ पर सॉफ्ट आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, टिक द सेंटेंस दैट मेक कंप्लीट सेंस, आपको इन पर जो कंप्लीट सेंटेंस है उस पर टिक करना है। देखिए जो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस बता रहा है, एक कंप्यूटर इज ए मशीन, ये बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो ये हमारा राइट आ जाएगा। डंकी इज दैट, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा, अगर होता दैट इज डंकी तो ये इसका हमारा सेंस बैठता, लेकिन डंकी इज दैट तो ये हमारा रोंग है। कप केक इज दिस, अगर ये तो दिस इज कप केक तो हमारा राइट होता, लेकिन यहाँ पे कप केक इज दिस, इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। हिज पेरेंट्स लिव इन द सिटी, उसके माता पिता शहर में रहते हैं, तो इसमें राइट आएगा क्योंकि इसका सेंस बन रहा है। द काउ स्विस्ट इट्स टेल,
काऊ अपनी जो पूँछ है उसे हिलाती है, तो ये हमारा राइट है। क्रो ट्री ऑन ब्रांच सिटिंग, क्रो ट्री ऑन ब्रांच सिटिंग, ये हमारा सेंस कुछ दे नहीं रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको ये वर्ड्स रखे हैं, आपको रीअरेंज करके लिखना है और उनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए लव आई बनानास, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बैठ रहा था, उसका क्या बनाएगा, आई लव बनानास, तो इसका हमने क्या लिखा, आई लव बनानास। जिया फ्रेंड माई इज, तो इसका क्या बनेगा, जिया इज माई फ्रेंड। विंडो द क्लोज, तो आएगा क्लोज द विंडो। सिटिंग अलोन ही इज सिटिंग अलोन। डॉक्टर ए हिज मदर इज, तो इसका सेंटेंस बनेगा हिज मदर इज ए डॉक्टर। रोहन ईटिंग इज बनाना ए, तो इसमें बनेगा रोहन इज ईटिंग ए बनाना। आगे आते हैं हम, आगे हमारी लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है, स्टोरी है ये, तो आपको इसको देखकर इसकी जो स्टोरी है इसे कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, देयर वाज ए क्रो, आपने देखा कि एक पिक्चर में, इस पिक्चर में क्या है, एक क्रो है, हु वाज वेरी थर्स्टी, जो वो बहुत ही प्यासा है। ही सर्च्ड फॉर, वह किसकी खोज में निकला, वह पानी की खोज में निकला। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। एट लास्ट, अंत में। ही सा ए वाटर, ही उसने पानी देखा। नियर ए वेल, कुएं के पास। एक किसमें देखा, एक पोट में उसने पानी देखा। देयर वॉज वेरी वाटर इन द पोट, उसने पोट में कैसे कितना पानी देखा, उसने पोट में बहुत ही थोड़ा पानी देखा, लिटिल वाटर देखा। द क्रो सा सम नियर बाय, क्रो ने, कोवे ने सा देखे सम कुछ, नियर बाय उसके आसपास क्या देखे, स्टोन्स, स्टोन्स मीन्स पत्थर, कोवे ने उसके आसपास कुछ पत्थर देखे। ही पिक्ड अप, उसने उन्हें उठाया, द स्टोन्स, उसने उन पत्थरों को उठाया। एंड ड्रॉप्ड देम वन बाय वन इन टू द डैश, और उसने धीरे धीरे उन पत्थरों को किस में डाल दिया, उसने उन पत्थरों को पॉट में डाल दिया। द वाटर केम अप इन द पॉट, जो पानी था वो पॉट में ऊपर आ गया। द डैश ड्रैंक द वाटर, और उस कौवे ने पानी को पिया और वह उड़ गया। तो ये आपकी एक स्टोरी है, आपको इसे कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, आपकी एक्टिविटी कॉर्नर है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए फ्यू थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन द सेंस ऑर्गेंस, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो आप सेंस ऑर्गेंस के अकॉर्डिंग साफ कर सकते हो, जैसे कि आइज, आइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ईयर्स के अकॉर्डिंग, नोज के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग और टंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। जैसे कि आइज है, आइज का काम क्या होता है, देखना, तो आप यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज़ की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो जो आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।